आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्यूमर से रिलेटेड। अब इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट तीन टाइप से हो सकता है, एक तो सर्जरी करके डॉक्टर इसको रिमूव कर दे, बाहर निकाल दे, या फिर सेकंड रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। अब आता है सर्जरी। यहाँ जो भी ट्यूमर है उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको क्लोज कर दिया जाता है। और हो सकता है ये जो ट्यूमर है पूरा बाहर निकला नहीं हो या साइडों में और कहीं भी फैल रखा हो जो सर्जरी में छूट गया हो। इसके लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में से कोई एक थेरेपी भी डॉक्टर स्टार्ट करता है सर्जरी के बाद में। अब हम बात करेंगे रेडिएशन एक्सटर्नल थेरेपी। जो रेडिएशन थेरेपी होती है ये भी दो टाइप की होती है, यानी रेज अगर बाहर से डाली जाती है, ये हमारी बॉडी है इस पर रेज बाहर से डाली जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। अब हो सकता है एक इंटरनल भी डाली जा सकती हो, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें उस लोकेशन को चेक कर लिया जाता है प्रॉपर सीटी स्कैन एमआरआई के द्वारा, जैसे एक्सरे के द्वारा देख लिया जाता है, और एक रेडिएशन डाली जाती है। इस रेडिएशन के द्वारा उस जो ट्यूमर है उसको लोकेट किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो विजिबल रहता है डॉक्टर के पास कौन सी लोकेशन पे उसको सेट करना है, जहाँ रेडिएशन हमें डालना है उसी साइट को सेट करके फिर डाला जाता है रेडिएशन। जैसे अगर मान लीजिए ये ट्यूमर है तो इसको एक रेडिएशन के द्वारा क्या किया जाता है, सेट किया जाता है गोल, और फिर इस रेडिएशन के द्वारा इसको सील किया जाता है, यानी इसकी ओवरग्रोथ को रोका जाता है, यानी इसको डेड कर दिया जाता है रेडिएशन के द्वारा। फिर आता है रेडिएशन इंटरनल थेरेपी, एक मशीन के द्वारा जो हमारे ऑर्गन होता है बॉडी का ऑर्गन उसके अंदर डाले जाते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, जो बच्चेदानी का मुंह होता है फीमेल के अंदर, मोस्टली उसमें कैंसर होता है, तो ये इंटरनल थेरेपी के द्वारा मोस्टली ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें एक रेडिएशन वेव डाला जाता है मशीन के द्वारा, और ये रेडिएशन वेव जो पार्ट जहाँ से कैंसर है उस पार्ट को वहीं लोकेट करता है, यानी पूरी बॉडी में नहीं दिया जाता। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, मेडिसिन दिया जाता है, या तो आईवी फ्लूड के द्वारा डिजोल्व करके दिया जाता है, कुछ टैबलेट फॉर्म में भी आपको दिया जाता है, या इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है। इसको पेशेंट में यानी ब्लड के अंदर एक तरह से मेडिसिन दी जाती है, वो भी एक तरह से रेडिएशन ही होता है, उसको बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, ये जो कीमोथेरेपी है ब्लड के अंदर ये इंजेक्शन के द्वारा इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये पूरी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड जैसे जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर ये पहुँच जाएगा कीमो। टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप टैबलेट फॉर्म में लोगे और फिर ये कीमो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जैसे जैसे पूरी बॉडी में फैल रहा है तो जहाँ टारगेट टिश्यू हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ट्यूमर है, उसको धीरे धीरे ये नष्ट करना स्टार्ट कर देगा और नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, यानी धीरे धीरे आपका ये ट्यूमर नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और टिश्यू की ओवरग्रोथ रुकेगी, तो आपको कीमोथेरेपी से बेनिफिट मिलेगा, यानी ये जो ट्यूमर है धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएंगे। अब आता है कितना समय तक कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लें, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ये कौन सी स्टेज पे है, जो आपका कैंसर है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि आपका कितना है। फर्स्ट स्टेज में है तो आपको कम ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, सेकेंड में ज़्यादा, थर्ड में और ज़्यादा, फोर्थ में ये आसपास भी फैल चुका होता है, तो इसके लिए आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो आपको टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल में आना है, जब आपको जो शेड्यूल मिले उसके अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल में आना है। आज का वीडियो हमारा यही था, सर्जरी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में डिफरेंस। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।